हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन वेंचर एग्जामपुर पर। मैं दीपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का। आज हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन विद सीरीज ऑफ नाइन। मतलब क्या होता है, देखो पहले अपन लोग बात करते हैं इस तरीके का। अगर मल्टीप्लिकेशन दिखता है हमें 643 इंटू 999, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ये टाइप नंबर वन होगा इसका। ठीक है, दो तीन टाइप के होंगे यहाँ पर, और टाइप नंबर वन की बात करें हम। टाइप नंबर वन क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने डिजिट हैं उतने ही नौ आपके राइट हैंड साइड में है, तो इनका मल्टीप्लाई हम फटाफट कैसे करेंगे। सबसे सरल यही है, तो कुछ नहीं करना आपको। ये जो यूनिट डिजिट होगा इस नंबर का, उसमें एक कम करके यहां पर लिख देना है। तो 6, 4 और 3 में एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि 6 में कितना जोड़ा जाए ताकि 9 आ जाए। तो 6 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9। जोड़ने पर 9 बनाना है, ठीक है। 4 में कितना जोड़ा जाए ताकि 9 आ जाए, तो 4 और 5 कितना होता है, 9। इस 2 में कितना जोड़ा जाए ताकि 9 आ जाए, तो ये 7। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया 643 इंटू 999। 642357। एक बार फिर समझो, 643 इंटू हमें 999 करना था, तो हम इकाई अंक में एक कम कर देंगे। कितना लिख देंगे, 642 लिख देंगे यहाँ पे। अब इसमें आप एक एक मतलब इनको देखते जाओ कि किस में कितना जोड़ा जाए ताकि 9 हो जाए। 6 से शुरू करो, 6 में कितना जोड़े ताकि 9 हो जाए, 6 और 3 9। 4 में कितना जोड़े ताकि 9 हो जाए, 5 4 9। 2 में कितना जोड़े ताकि 9 हो जाए, 7। तो ये आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, चलो एक और करते हैं प्रैक्टिस। 8253 इंटू 999 क्या करोगे, 825, और इस यूनिट डिजिट में क्या कर देंगे अपन लोग, एक कम कर देंगे, यहां पर 2 लिख देंगे। आप क्या करोगे, 8 में कितना जोड़ा जाता है कि 9 बन जाए, 8 और 1 9। 2 में कितना जुड़े, 7 और 2 9। 5 में कितना जुड़े, 5 4 9। इस 2 में कितना जुड़ेंगे, 7। तो ये क्या आ गया अपने पास आंसर। अगला देख लो, 75483 को मल्टीप्लाई करना है 99999 में। ठीक है, क्या करोगे, 75482। अब करते जाओ, 7 में कितने जोड़े जाए ताकि 9 हो जाए, 7 और 2 9, 5 4 9, 4 और 5 9, 8 और 1 9, 2 और 7 9। ठीक है, तो जो आपने लिखे थे ना, इन सभी को देखना है हमें। ये 5 लिखे थे ना, 75482, इन सभी में कितना जोड़े ताकि 9 आ जाए। तो ये आपका आंसर आ गया 75482 24517। सही है। अब मान लो ये आपको वही सेम सवाल हो गया। अब मान लो यहां पर आपका लेफ्ट हैंड साइड में तीन ही डिजिट है और राइट हैंड साइड में आपके नंबर ऑफ नौ कितने हैं, 4। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये आप कह सकते हो कि टाइप नंबर 2 है। ठीक है, अभी इसका एक टाइप और आएगा, 643 इंटू 999। तो अपन लोग क्या करेंगे, देखो आप अगर 3 को 03 लिख दोगे कोई दिक्कत होगी इसको, नहीं। अगर अपन 13 को 013 लिख देंगे इसको कोई दिक्कत होगी, नहीं। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 0643। अब इसको ऐसे कैसे लिख दो, 06 हमने क्या सीखा, इकाई अंक में क्या करना है, यूनिट डिजिट में एक कम करना है, तो 064 और 2। अब आप क्या करोगे, 0 में कितना जोड़ा जाए ताकि 9 आ जाए, तो 0 में तो 9 जोड़ना पड़ेगा। 6 में कितना जुड़े, 3। 4 में कितना जुड़े, 5। 2 में कितना जुड़े, 7। तो इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये 642935 क्या आ जाएगा, सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये सवाल है 7568 और यहां पर 9 कितने, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, 20 चिपका लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे 00756, और यहां पर आपका एक कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 0 में कितना जोड़ा जाए, 9। 0 में कितना जोड़ा जाए ताकि 9 आ जाए, 9। 7 में कितना जोड़े, 2। 5 में कितना जोड़े, 4। 6 में कितना जोड़े, 6 में कितना जोड़े, 3। और 7 में कितना जोड़े हम लोग, 2। तो ये लिख देंगे अपन 7567 99, 7567992432 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये आपके लिए होमवर्क है करना। अब यहां पर अगर यहां पर 9 कम हो जाएंगे, वो कैसे करेंगे देखेंगे अगली क्लास में। ये आपके लिए होमवर्क है, ये दो टाइप के अभी करो, बाकी अपन देखेंगे टाइप नंबर 3 अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।